सो हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग? और यार, उम्मीद करता हूँ आप लोग सब लोग बेटर होंगे। तो यार यार, चलो आज चलते हैं कहीं घूमने फिरने। और एक आज नए ब्लॉग में यार काफ़ी अच्छा होने वाला है, क्योंकि मैं अभी जहाँ पर हूँ दुर्गापुर में, यहाँ से मैं दुर्गापुर स्टेशन जाने वाला हूँ। और स्टेशन से और मेरा रूम जहाँ पर अभी हम लोग हैं, ये कम से कम 10 किलोमीटर दूरी पड़ता है। तो अभी मुझे कुछ काम है वहाँ पे। दुर्गापुर स्टेशन का कुछ नज़ारा भी मैं आपको दिखाऊंगा, जो कि यार मैंने सुना है कि स्टेशन काफ़ी अच्छा है। तो लेट्स सी, आगे चलते हैं, चलो देखते हैं क्या होता है, क्या नहीं होता। और यार, वीडियो अच्छी लगी तो यार प्लीज़ लाइक कर देना। स्टेशन में बहुत कम ही देखने को मिलती है, यहाँ पे था तो यार हम लोग जस्ट इन्जॉय किए। और ये लोग भी अभी आ ही रहे हैं तो इन्जॉय किया। नॉर्मल सा ओवरब्रिज के लिए यहाँ पे इलेक्ट्रिकल सीढ़ी बनाई गई है, जो कि काफ़ी शानदार है यार, पर बहुत कम जगहों पे होते हैं। दूसरे वाला पे हूँ और एक मेरे पीछे आपको दिख रहा होगा उस साइड्स में, तो यार दो ठो यहाँ पे करके ऐसे ऊपर ब्रिज है। तो यार, मैं जिस ट्रेन का वेट कर रहा था वो ट्रेन आ रही है, अनाउंसमेंट कर दिया है। और मेरे सारे लोग यहाँ पे उठ गए हैं अपने अपने सीट पकड़ने के लिए, ट्रेन पकड़ने के लिए। मुझे तो जाना नहीं है तो मैं किसी और का वेट कर रहा था, बस काफ़ी भीड़ हो गई है। दादी का प्यार है, पौधे को कितना अच्छा पानी पिला रही है। एक लाइक दादी के लिए। यार, स्टेशन पर काफ़ी चीज़ें, मतलब कि यहाँ पे मुझे एक चीज़ काफ़ी अच्छी लगी, जो कि यार यहाँ पे पेड़ करके बहुत सारे पेड़ लगे हुए हैं स्टेशन पे, जो कि यार यात्रियों के लिए काफ़ी अच्छे होते हैं। और कहते हैं ना कि अपने जीवन में एक पेड़ लगाना चाहिए, सो वो वाला नज़ारा यहाँ पे काफ़ी अच्छा है। यार ये स्टेशन में देख सकते हैं आप कितना सारा पेड़ लगा हुआ है, तो ये चीज़ें काफ़ी अच्छी हैं यहाँ पे कि पेड़ लगा हुआ है और अच्छा होना भी चाहिए। और यूज है टॉयलेट, बाथरूम, तो सारी चीज़ें स्टेशन पर होते हैं। वो बहुत सारे लोग मुझे देख रहे हैं यार। फाइनली अब हम निकलने वाले हैं यहाँ से, और मेरे
पीछे आप देख सकते हैं कि बहुत सारी कोलकाता की गाड़ियां हैं, और पीछे ये जो दुर्गापुर स्टेशन था वो स्टेशन है, और मैं इस बस से जाने वाला हूँ, तो ये बस भी आ गई है। तो यार चलो यार बता दूँ कि यार यहाँ पर प्लेटफॉर्म पे लोचा हो गया था, और एक बूढ़े से दादू जैसे, और यार वो बोल रहे थे कि यार हम तुमको कब से देख रहे हैं कि तुम ऐसे कैब मोबाइल लेकर ऐसे ऐसे घुमा रहे हो, फिरा रहे हो, क्या कर रहे, क्या रहे हो, वो कहाँ से यार, एड्रेस वैड्रेस पूछने लगे। हम बोले कि यार ऐसे देख रहे थे यार, ऐसा लग रहा था कि मुझे GRPM को दे दें। यार उन्हें कौन समझाना, यह है कि मैं ब्लॉगिंग कर रहा हूँ और यूट्यूब पर ये सब चलता रहता है, पर वो सोच रहे थे कि कोई टेरिस्ट वेरिस्ट है, पर यार टेरिस्ट नहीं है। तो बस हम लोग नॉर्मल से प्लेटफॉर्म पर जाते हैं तो कभी टिकट नहीं कटाते हैं, तो हम मुझे प्लेटफॉर्म पर ही रहना था, तो इसलिए मैंने टिकट कटा के रखा था प्लेटफॉर्म के लिए 10 रुपये टिकट। और जैसे ही मैं प्लेटफॉर्म से निकल रहा था वैसे टीटी खड़ा था, तो मैंने, मेरे पास टिकट था, तो मैं यार शेव अपने आप को महसूस किया, नहीं तो यार एक टाइम ऐसा लगा था कि जा यार गया 260 रुपये। तो ये चीज़ मेरे लिए काफ़ी सेफली हुई कि यार टिकट कटाया था, उसके वजह से मैं बच गया। और बच बाय बाय फाइनली, और कमेंट करके बताओ यार वीडियो कैसे लगी, और अच्छी लगी हो तो यार लाइक करके जाना।